मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का बेहद इंतजार रहता है। खासतौर पर पूर्वांचल के लोगों को बेसब्री से इस त्यौहार का इंतजार होता है। सालों साल लोग छठ पूजा का इंतजार करते हैं कि आखिरकार जैसे ही छठ पूजा आएगा, लोगों की तैयारियां बड़े ही धूमधाम से शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनकपुरी विधानसभा में, और कहा जाता है कि जनकपुरी विधानसभा का ये सबसे बड़ा छठ घाट है जिसकी तैयारियाँ आज से ही शुरू है। देख सकते हैं आप, अगर कैमरे में देख पाएंगे तो लगातार एक के बाद कई ऐसे घाटे बनाई गई है। और खास तौर पर अगर मैं इस घाट की बात करूं तो यहां पर काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोगों का आना होता है। मेरे पीछे जो तमाम लोग देख रहे हैं, ये तमाम यहीं के स्थानीय निवासी हैं, संस्था से जुड़े लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ खास तैयारियां हैं, खास तौर पर छठ पूजा को लेकर और इस घाट को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालेश्वर झा है और ये प्रथम पूर्वांचल छठ पूजा समिति का मैं कैशियर हूँ। समाज ने हमें कैशियर बना रखा है और यहाँ का जो भी व्यवस्था वगैरह होता है, ये सारे सदस्य हमारे समिति के मिल करके हम लोग इसको निगरानी में सारे काम करते हैं। दिल्ली सरकार, इस बार हम लोगों के सारे जो काम हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ से, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम अभी सारा चल रहा है उसमें। किस तरह की तैयारियां हैं? और ख़ास तौर पर पूर्वांचल का ये ऐसा त्यौहार माना जाता है जिसका सालों साल इंतज़ार रहता है लोगों को, तो कितने की संख्या में लोगों के आने की संभावना है? यहाँ 5 से 10 हज़ार आदमी यहाँ पे आते हैं। पूरा पार्क अभी एरिया में सबसे, हमारा जनकपुरी विधानसभा में सबसे बड़ा घाट है और इस एरिया का सबसे पुराना घाट भी है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गैदरिंग इस एरिया में जनकपुरी विधानसभा में यही घाट पे रहता है। तो यहाँ पे कम से कम 5 से 10 हज़ार आदमी का पूरा पूजा के वाले दिन लोग रहते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। अच्छा, जैसे आप संख्या बता रहे हैं लोगों की, तो सुरक्षा का मद्देनज़र बेहद अहम हो जाता है, ऐसे में क्या कुछ खास तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा के दृष्टि से हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। पूरे पार्क में रोड पे, एंट्री गेट पे सारा कैमरा लगाते हैं पूरा, और कैमरा लगाने के बाद में दिल्ली पुलिस का भी जवान यहाँ पे, महिला सुरक्षाकर्मी भी रहता है साथ में और पुरुष भी रहते हैं साथ में, सिविल डिफेंस के स्टाफ भी रहते हैं और हमारे समिति के जितने भी सदस्य हैं वो सारा वॉलंटियर बना करके उनको हम लोग आई कार्ड प्रोवाइड कराते हैं, तो वो सब सुरक्षा के दृष्टि से सब एक दूसरे पर नज़र रखते हैं कि ताकि यहाँ पर कोई अनहोनी ना हो। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे किस तरह से तैयारियां रहती है छठ पूजा के, इंतज़ार रहता है और जब ये महापर्व आता है तो अलग ही खुशियां देखी जाती है? ये हमारे पूर्वांचल के लोगों का, खासकर बिहार और आपके लखनऊ से आगे जहाँ छठ मनाई जाती है, सबकी इतनी उत्साह है कि हम लोग दिवाली के बाद हम खुद लग जाते हैं छठ के उसमें, और सारे हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ये प्राइवेट फर्म में जो है, सब लोग अपना छुट्टी लेके ज़्यादा से ज़्यादा समय देता है और ये इस इलाके का सबसे बड़ा छठ पूजा यहाँ मनाया जाता है जहाँ काफ़ी गैदरिंग होती है। सुरक्षा के दृष्टि से आप देखो कि एक एक आदमी जो भी यहाँ है वॉलंटियर, वो अपने आप में एक सुरक्षा है, और जब पिछले 34 साल से यहाँ हो रहा है, 34 सालों में कभी भी यहाँ कोई किसी तरह की कोई घटना अप्रिय चाहे बैड करेक्टर एंट्री नहीं हो पाती है, क्योंकि सब लोग एक्टिव रहता है, पूरा एक्टिव रहता है आदमी यहाँ का। खासतौर पर बात करें हम महिला वर्तियों की, तो उनके लिए खास इंतज़ाम क्या है? उनके लिए सारा टेंट का व्यवस्था, सारा चीज़ है। एक एक आदमी हमारा जो वॉलंटियर है हर घाट पर वो तैयार रहता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। समिति का यहाँ टेंट होता है, वहाँ लोग बैठते हैं, कोई भी किसी तरह की किसी को दिक्कत होती है वो वहाँ से आते हैं, फिर सबकी मदद की जाती है, समुचित उपाय से सारा व्यवस्था किया जाता है। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं इनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ खास तैयारियाँ इस बार देखने को मिलेगी? इस बार लाइटिंग, लेजर लाइटिंग है, उसके बाद जो अपना कैमरा है, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये सारी व्यवस्थाएँ आपके बारे में। देखिए, इस बार आपको बता दें कि खास तौर पर कहा जा रहा है कि लेज़र लाइटिंग का बेहद खास इंतज़ाम है। अच्छा, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो किस तरह से मैनेजमेंट है इस बार? सांस्कृतिक कार्यक्रम अगला दिन 8 तारीख को 5 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक लगभग यहाँ पे प्रोग्राम होगा। जो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम में हमने वीरेंद्र भारती, जो भोजपुरी के कलाकार हैं सुर संग्राम के, उनको बुलाया हुआ है। एक रानी झा सिंगर है, मैथिली सिंगर को भी बुलाया हुआ है, और बहुत सारा झांकी, जो सुंदर सुंदर झांकी है, उस सब का भी व्यवस्था यहाँ पे किया हुआ है। तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है वो पारंपरिक जो हमारा पूर्वांचल का कार्यक्रम है उसी के तहत बढ़िया प्रोग्राम होता है। जो भी मतलब भक्त लोग, अगला दिन प्रोग्राम हम लोग इसलिए रखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं होता है, इसलिए नेक्स्ट डे हम लोग जो 8 तारीख को शाम को प्रोग्राम रखते हैं इसको, और ये सारे घाट को हटाने के बाद में, सारा पूजा हटाने के बाद में। ठीक है।
देखिए ये तमाम लोग, आपको बता दें स्थानीय लोग हैं और ये जनकपुरी विधानसभा है। मेरे पीछे एक बार दिखा दीजिए, जिस तरह से अभी मात्र त्यौहार के दो दिन रह गए हैं छठ पूजा के और अभी से ही तैयारियां बेहद ज़ोरों पर है। ख़ास तौर पर आपको बता दें पूर्वांचल के लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा लोगों के अंदर बेसब्री से इंतज़ार रहता है और कहा जाता है कि छठ पूजा के अपने आप में एक अहम रोल होता है। ख़ासतौर पर पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो इस त्यौहार में पहले दिन नहाए खाए होता है, जिसमें महिलाएं या जो भी व्रतधार होते हैं वो नहाकर ही खाते हैं, और दूसरे दिन खरना होता है जिसमें माता की पूजा की जाती है देर शाम, और अगले दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और उससे अगले दिन आपको बता दें उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। पूर्वांचल का यही एक ऐसा त्यौहार होता है जहाँ डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।